नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, यानी कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से होता है, बिल्कुल सही। अभी विटामिन बी की कमी से नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से भी नहीं होता है, और विटामिन सी की कमी से भी नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो, ए ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन डी, उसके बाद में है विटामिन ए, उसके बाद में सी ऑप्शन है विटामिन बी, और फिर डी ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है वो, ठीक है। और ये बीमारी किसमें होती है भाई, बच्चों में, ठीक है, बच्चों में। उसके बाद में है विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तौंधी, कौन सा होता है, रक्तौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, कौन सा होता है भाई, बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्किर्वी, ठीक है। पूरा मैंने आपको यहां से बता दिया है, अगर यहां से भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अब ए ऑप्शन है यहां पे विटामिन ए, तो विटामिन ए नहीं होगा भाई, विटामिन के की कमी से बिल्कुल सही होगा, विटामिन बी की कमी से भी नहीं होगा, और यहां पे विटामिन सी की कमी से भी नहीं होगा भाई, यानी ठीक है। हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पे विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहां पे देखो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल। उसके बाद में विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, एक सेकंड में, थायमिन, क्या होता है, थायमिन होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद में है डी ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक, एसिड, ठीक है।
तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, कौन सा होगा, विटामिन के, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो विटामिन के जो है विटामिन के, इस विटामिन का, इस विटामिन का रासायनिक, नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई, 5-HT2-QUINON, ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन सी, तो विटामिन सी नहीं होगा भाई, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन बी 1-2, और यहां पे हो जाएगा विटामिन बी 1, तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, मछली के तेल में ओमेगा-3 और वसा अम्ल ईपीए तथा डीएचए होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, किसके लिए पूछा है, विटामिन सी के लिए पूछा है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो स्कर्वी यानी हमारे कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक क्या होता है भाई, रोग है, एक क्या है, रोग है, इसकी कमी से, इसकी कमी से मसूड़े क्या हो जाते हैं भाई, सूज जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं और दांत दांत गिरने
लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन होता है भाई बी, विटामिन बी। विटामिन बी हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। तो केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है भाई, विटामिन बी, तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, तो विटामिन ई या फिर विटामिन के, डी या फिर सी। तो देखो सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, विटामिन के सही होगा और ई भी नहीं होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, तो यानी विटामिन के, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है, कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो बेरी बेरी रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है भी, विटामिन बी की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से नहीं होगा, विटामिन डी की कमी से भी नहीं होगा, विटामिन बी वन की कमी से बिल्कुल सही हो जाएगा और विटामिन सी की कमी से भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, और मैंने बोला भी था कि यहां से ध्यान रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां पे देख लो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्लियर है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, ये लो एक और बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो विटामिन बी वन की कमी से होता है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है, विटामिन बी वन की अधिकता, तो अधिकता नहीं होता है भाई, कमी होता है, तो विटामिन बी वन की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और विटामिन की सी की कमी से नहीं होता है, और विटामिन सी की अधिकता और विटामिन सी की कमी, तो ये भी नहीं होगा हमारा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन ही यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई 300 का सामान्य नाम बताइए, किसके लिए पूछा है, ई 300 का सामान्य नाम बताइए भाई क्या होगा। अब सबसे पहले देखते हैं, देखो ई 300 जो है एंटी ऑक्सीडेंट E300 का E300 का सामान्य नाम क्या होगा, विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है हमारा, विटामिन डी नहीं होता भाई, विटामिन बी वन बिल्कुल होगा, विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है, वसा में
विलेय नहीं है कौन सा विटामिन, तो विटामिन के नहीं होता अभी, विटामिन डी भी नहीं होता है, विटामिन ए भी नहीं होता है, विटामिन सी बिल्कुल सही होगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? तो विटामिन सी, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो विटामिन बी वन नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा भैया। चलो बी और डी को भी देख लेते हैं, तो विटामिन के यहाँ पे सही होगा, विटामिन सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के। अब देखो, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है, इसकी कमी से इसकी कमी से हड्डियां भी कमजोर होती है। हड्डियां भी क्या होती है भाई? कमजोर होती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, अब यहां पे ए ऑप्शन है विटामिन बी1। अब विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन हमारा यानी विटामिन के हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ठीक है, उसके बाद में डी ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी इनमें से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन के नहीं होगा भी, विटामिन सी भी नहीं होगा और विटामिन ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा? विटामिन बी, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्पेच के तीन सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। अब विटामिन कौन सा होगा? अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है? विटामिन बी,
सी ऑप्शन है विटामिन डी, तो यहाँ पे देखो विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन बी भी नहीं होगा, विटामिन ए होगा, वही बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन, और विटामिन सी भी नहीं होगा। तो विटामिन ए के तीन सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, बिल्कुल हो जाएगा हमारा कौन सा बी ऑप्शन, यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई विटामिन ए, के तीन सक्रिय रूप, के तीन सक्रिय रूप कौन कौन से हैं, देखो रेटिनल, रेटिनोल और तीसरा रेटिनोइक। एसिड होते हैं, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है, देखो गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां दूध मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पाया जाता है कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? विटामिन ए हो जाएगा, यानी यहां पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? इसका जो रासायनिक नाम होगा रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल, ठीक है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहां पे है विटामिन बी टू, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी नाइन सही हो जाएगा भाई यहां पे। विटामिन सी नहीं होगा और विटामिन ए भी नहीं होगा और विटामिन बी टू भी नहीं होगा। कौन सा होगा? विटामिन बी नाइन, यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अब सबसे पहले देखो विटामिन
B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? मेगालो ब्लास्ट, एनीमिया। उसके बाद में है विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से देखो त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, ठीक है, विटामिन सी तो विटामिन सी तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। उसके बाद में विटामिन ए, डी ऑप्शन क्या है भाई? विटामिन विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल सही होगा, लिपिड नहीं, प्रोटीन नहीं होगा, विटामिन भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है और यह जल में अघुलनशील होता है और स्वाद में कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है भाई स्वाद में? मीठा होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णदत्ता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? यानी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है? क्या आएगा भाई? विटामिन ए। विटामिन ए जो हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन ए नहीं होता है भाई, विटामिन बी भी नहीं होता है, विटामिन डी सही होगा और B6, विटामिन B6 नहीं होगा भैया ना। कौन सा होगा यहां पे हमारा? बी ऑप्शन ही होगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है भाई? बढ़ाता है। इसीलिए कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।